हवाओं में लहराते प्रार्थना झंडे, प्रार्थना चक्र और घंटियों से निकलती ध्वनियाँ, तिब्बती हस्त और शिल्प कला से सजे बाजार और जायकेदार तिब्बती व्यंजनों की महक। ये झलक ना तो किसी तिब्बती शहर की है, ना ही मैक्लोडगंज की। तिब्बती सभ्यता और संस्कृति से रूबरू कराती ये जगह है दिल्ली का छोटा तिब्बत, मजनू का टीला। मजनू का टीला उत्तर दिल्ली में स्थित एक तिब्बती शरणार्थी यानी कि रेफ्यूजी कॉलोनी है, जिसका इतिहास बेहद महत्वपूर्ण है। सन 1959, ये उस समय की बात है जब चीन ने तिब्बत पर हमला कर उसे हथिया लिया था। तब धर्मगुरु दलाई लामा के साथ कई तिब्बती शरणार्थी भारत आ गए और भारत में अलग अलग कोनों में बस गए। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन लोगों के लिए 2 स्थान उपलब्ध कराए गए थे, जिनमें से एक है हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला और दूसरा मजनू का टीला, एक तिब्बती कॉलोनी जो न्यू अरुणा नगर कॉलोनी के नाम से भी जानी जाती है। और आज यही कॉलोनी घर है तिब्बती शरणार्थियों की दूसरी पीढ़ी का। एज ए सेक्रेटरी ऑफ दिस सोसाइटी, आई वुड लाइक टू शेयर दैट द सोसाइटी वाज गिफ्टेड। ये सोसाइटी तिब्बतियों को 1963 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सौंपी गई। 1959 में जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया तो तिब्बतियों को उनका देश छोड़ना पड़ा। Had to leave their country. 1960 has been really serving Delhi in its. 1960 में तिब्बतियों को यहाँ शरण मिली, जिसके बाद से वे यहीं का हिस्सा बन गए। Coming, they settled down here and there in our neighborhood. व्यापार तिब्बतियों की खासियत है और यही उनकी आजीविका का माध्यम भी है। यह उनके खून में रचा बसा है। So it is in their blood. Tibetans cannot live without trade. तिब्बतियों का हमेशा उनकी संस्कृति से गहरा जुड़ाव रहा है। उन्हें शुरू से ही महायान बौद्ध सभ्यता की शिक्षा दी जाती है, जिसके लिए वो पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं। साठ से 80 के दशक में ये जगह दिल्ली के टूरिस्ट मैप का हिस्सा भी रह चुकी है। यहाँ दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के पर्यटक भी आते हैं। लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, यू सी दे वुड कम टू दिल्ली। मजनू के टीले का ये तिब्बती इलाका उत्तरी दिल्ली के यमुना नदी और बाहरी रिंग रोड के बीच बसा है। इस रिहायश में करीब 3,000 से 3,500 घर बने हुए हैं। यहाँ रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों की आबादी 2,000 के करीब है। ये इलाका तिब्बती रेस्टोरेंट और तिब्बती बाजार के लिए भी मशहूर है और यही इन शरणार्थियों की आजीविका का एकमात्र जरिया भी है। भारत सरकार से मदद के रूप में मिले इस स्थान पर ये अपना कारोबार चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं और इनके कारोबार से इस कॉलोनी की ये तंगलियां शहर के प्रमुख खरीदारी केंद्रों में से एक बन गई हैं। मेरा नाम तेंजिन पसंग है, प्रेसिडेंट ऑफ टिबेटन रिफ्यूजी मार्केट एसोसिएशन दिल्ली। तो हमारा पहले यहाँ 1959 में जब हम तिब्बत में, जब चीन ने तिब्बत कब्जा किया था, आफ्टर दैट हमारा माँ बाप जो वहाँ तिब्बत से भाग के इंडिया में आया हुआ है और भारत सरकार ने मेहरबानी करके हमारे लोगों को, जितना भी आया हुआ है, सभी को यहाँ पे अपने भाई बहन तरह के मान के
यहाँ पे हमारा रोजी रोजी चलाने के लिए हमको यहाँ पे जगह दिया हुआ है। और 1960 के बाद तो हमारा दिल्ली में, अभी दिल्ली के अंदर यहाँ पे हमारे पीछे लद्दाख बुद्धिस्ट विहार की मोनेस्ट्री है, उसी के आसपास फिर हमारा तिब्बती भाई बहन लोग यहाँ पे बसे रहे हैं, अपना जीवन यहीं पे चला रहे हैं। और भारत सरकार ने और पब्लिक की सभी ने हमें को यहाँ पे अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए यहाँ पे जगह दिया हुआ है। मजनू के टीले का ये इलाका अपने आप में पूरा तिब्बत समेटे हुए है। यहाँ की तंग गलियों में एक से एक बड़ी और बेहतरीन दुकानें हैं, जहाँ सभी तरह का सामान मिलता है। बाजार में प्रवेश करने से पहले एक प्राचीन मंदिर है। मंदिर के पास ही एक प्रेइंग व्हील है। कहा जाता है कि इस प्रेइंग व्हील को घुमाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ की गलियों में बौद्ध संगीत और पहाड़ी संस्कृति समय समय पर पर्यटकों को तिब्बत की गलियों का एहसास कराती है। इस कॉलोनी की हर गलियों में बाजार सजे हैं, जहां नई नई शिल्प और हस्तकलाएं दिखाई देती हैं। यहां का छोटे से छोटा सामान भी तिब्बत की संस्कृति और कलाकृति को दर्शाता है। दुकानों पर विशेष प्रकार के बर्तन और उस पर की गई चित्रकारी देखते ही बनती है। यहाँ विशेष पत्थरों, मोतियों, रुद्राक्ष के साथ साथ कई तरह के शिल्प निर्मित मालाएं और आभूषणों का कारोबार भी बड़ी तादाद में होता है। यहाँ के बाजारों में पारंपरिक तिब्बती परिधान छुबा के साथ साथ तिब्बत की ही पारंपरिक चित्रकारी थांका के नमूने भी देखने को मिलते हैं। ये सारा काम जो है ना तिब्बतियों का है। ये फोटो जो है ना इनके भगवान है, सारे के सारे अलग अलग भगवान है सारे। ये बाकी जो है ना ये इनका यही लोग यूज करते हैं, यही लोग लेने आते हैं यहाँ पे। और ये कपड़ा जो है ना सारा वाराणसी चाइना का कपड़ा है, नेपाल का कपड़ा है, बाहर का कपड़ा है सारा। तिब्बती सभ्यता में धर्म का विशेष स्थान है। तिब्बती बौद्ध धर्म के महायान के उपासक हैं। ये एक मिला जुला बौद्ध धर्म है, जिसमें भारत चीनी बौद्ध धर्म के साथ ही तिब्बत के प्राचीन स्थानीय धर्म की झलक भी देखने को मिलती है, जिसे लामा धर्म भी कहा जाता है। चीन द्वारा बेघर किए जाने के बाद इन लोगों ने यहाँ अपनी एक नई दुनिया बसा ली है। भारत की नागरिकता ना होने के बावजूद भी इन लोगों को इस मुल्क से कोई शिकायत नहीं है। जब इन लोगों ने यहाँ शरण ली थी, तब इस जगह की तस्वीर कुछ और ही थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी रंगत ही बदल गई। भारत के अंदर भी एक तिब्बत बसता है। ये लोग जितने अपने मुल्क से दूर हैं, उतने ही पास भी। सालों से ये लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ यहाँ खुशी से रह रहे हैं, जो भारत और तिब्बत के रिश्तों को कायम रखे हुए हैं।